ओके बेटा सो वी स्टार्टेड ट्रांजिशन एलिमेंट्स यस्टरडे टॉपिक इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में व्हाट वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे लिगेंड से स्टार्ट की थी डिस्कशन राइट बेटा कल मैंने सिखाया था लिगेंड राइट

जिस भी पार्टिकल में लोन पेयर होगा वो लेगेंट हो सकता है ओके लेकिन क्या है ऐसा पार्टिकल है जिसका लोन पेयर है नंबर वन नंबर टू ये डेटे बॉन्ड बनाएगा किससे डेटे बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल आयन से बनाएगा ये लेकिन बेटा अपने फिंगर टिप्स पे रखें इससे क्लोरो लेगेंट बोलेंगे ठीक है इसे हाइड्रोक्सी लेगेंट बोलेंगे ये ओ नेगेटिव और बेटा इसे सयानो लेगेंट बोलेंगे ये सयानो लेगेंट है H2O को एक्वा लेगेंट बोलेंगे क्या एक्वा लेगेंट है ये और ये अमाइनो लेगेंट है ठीक है NH3 अमाइनो लेगेंट है तो खैर इनके नेम ना भी आए तो इट्स तो ओके तो ये लेगेंट मोनोडेंटेड लेगेंट हैं, क्या है बेटा मोनोडेंटेड लेगेंट क्या मतलब है मोनोडेंटेड का मोनोडेटेड लिगेंड्स एक डेटे बॉन्ड बनाते हैं पर पार्टिकल एक पार्टिकल एक डेटे बॉन्ड बनाता है दैट इज वाई दीज लिगेंड्स आर नेम्ड एज मोनोडेटेड लिगेंड्स अगली चीज है बेटा कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स जब डेटे बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल आयन के साथ तो कॉम्प्लेक्स इज मेड समझ आई लेगेंट क्या करें बेटा डेट ए बॉन्ड बनाए देखो ये लेगेंट है कि नहीं सी एन लेगेंट है या नहीं है बेटा जरा गौर से सुने इसे सी एन लेगेंट है कि नहीं तो यहाँ सी का लोन पेयर है ये दूसरा सी एन है ये तीसरा सी एन है और ये फोर्थ सी एन है कितने सी एन है बेटा फोर सी एन है सेंट्रल मेटल लाइन लेट से निकल टू प्लस है तो ये एक डेटे बॉन्ड ये दूसरा डेटे बॉन्ड ये तीसरा और ये तो जो सेंट्रल मेटल लाइन है उसके अराउंड कितने हैं आपके सामने फोर लेगेंट्स हैं ठीक है इसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे कॉम्प्लेक्स क्या होता है जब लेगेंड्स सराउंड करें थ्रू सेंट्रल थ्रू सेंट्रल मेटल लाइन थ्रू डेटे बॉन्ड्स तो रिजल्टिंग स्पीसी इज कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स आइन राइट अच्छा अब मैंने चार्जेस शो किए हुए ना इस तरह चार्जेस शो नहीं करने चार्जेस होल चार्जेस शो करने एज अ होल क्या चार्ज आएगा रिजल्टिंग चार्ज होगा और इन जो पार्टिकल्स पे चार्ज हटा दें इस तरह आपको पता होना चाहिए सी एन माइनस वन चार्ज होता है सी एन पे यू नीड टू नो दिस और निकल सी एन पे अगर माइनस वन चार्ज है और ओवरऑल चार्ज माइनस टू है तो निकल पे क्या चार्ज होगा देखो ओवरऑल चार्ज कितना है और हर सी एन पे माइनस वन चार्ज है तो निकल पे क्या चार्ज बनेगा निकल पे प्लस टू चार्ज बनेगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कितने डेटे बॉन्ड्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा फोर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा तो हाउ टू डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ

अच्छा आप देखें आज हम शेप्स पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस की तो ये तो हम कल पढ़ चुके हैं होंगे इसमें नीड टू राइट एनीथिंग जी आपके सिलेबस में सिक्स कोऑर्डिनेशन जी सॉरी ये हमने कल किया था बेटा मैं बताता हूं सारे डिस्कशन हो coordination number, बेटा ये नंबर हो सकता है टू कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है फोर और कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है सिक्स अब कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में दो पॉसिबिलिटीज हैं कि शेप टू डी हो और ये पॉसिबिलिटी है कि शेप थ्री डी हो बस आपके सिलेबस में ये कोऑर्डिनेशन नंबर्स और इसके करिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस आपको आने चाहिए ठीक है ये देखो ये कॉम्प्लेक्स है कोई कॉम्प्लेक्स आयन है और बेटा ये इसकी शेप है और चार्ज है अब इस टेबल में मैं जो चीज आपको सिखाऊंगा वो एक मार्क दो मार्क तीन मार्क के क्वेश्चन छोटे छोटे वो आपके सारे इस टेबल से कवर हो जाएंगे चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन ओके ओके वन बाय वन बेटा बात करते हैं बेटा इधर देखें आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी इट देखो फॉर एग्जांपल आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है सिल्वर एंड माइनस वन देख हो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टू क्यों है टू डेटे बॉन्ड्स बनेगी ये कैसे पता चला कि दो डेटे बॉन्ड्स बनेंगे लेगेंड्स कितने हैं इसमें बेटा दो ट है दोनों मोनोडेटेड लेगेंट है यानी एक सी एन एक डेटे बॉन्ड बनाता तो फिर इसकी शेप होगी लीनियर ऐसे कॉम्प्लेक्सी शेप क्या होगी बेटा लीनियर में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता उसको बनाओगे कैसे तो ये सेंट्रल मेटल लाइन रखो बेटा एक सी एन लेगेंट इधर आ गया और दूसरा सी एन लेगेंट इधर आ गया इस तरह के डेटे बॉन्ड्स में 180 का एंगल हो बेटा? ओवरऑल चार्ज माइनस वन है जब भी coordination number two होगा complex linear होगा। आप जरा अगले के लिए लिखना बेटा लिखना छोड़ें देखे सामने में. मुझे बताओ ये है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन सेंट्रल मेटल आयन सिल्वर है क्या चार्ज होगा सिल्वर पे प्लस वन ये कैसे पता चला आपको कि silver पे plus one charge? क्योंकि एन पे माइनस वन चार्ज होता है और कितने सी एन है दो सीएन है सिल्वर का चार्ज हमें पता करना था और ओवरऑल चार्ज माइनस वन है इसको सॉल्व करें हैपेंस टू बी प्लस वन तो सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज प्लस वन है ये क्लियर हो गया अच्छा नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल देखें लेट से ये कॉम्प्लेक्स है निकल एन एच थ्री होल फोर टू प्लस और कोबोल्ट ओ एच होल फोर टू माइनस बेटा लिखता छोड़े और सामने देखें लिखता छोड़े बेटा सामने देखें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है और ये गेवन है कि ये टू डी है ये गिवन होगा कि टू डी है या थ्री डी है वरना आप ड्रॉ नहीं कर सकोगे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर हो और कॉम्प्लेक्स टू हो तो उसकी शेप होगी स्क्वायर प्लेनर ठीक है याद रहेगा क्या शेप होगी स्क्वायर प्लेनर और ये देखो बनाओगे कैसे टू मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बनाना होगा देखे सामने स्क्वायर प्लेनर इसमें बनाना है दो वेजेस बनाने हैं और दो डॉटेड बनाने हैं लाइक like दिस दो वेजेस और दो डॉटेड ये खैर एरो आप बनाओ या ना बनाओ ये आपकी चॉइस है ठीक है बॉन्ड्स बना लो इसके ऊपर जो एरो हेड है ये आपकी चॉइस है आप बनाना चाहो या नहीं बनाना चाहते और बेटा इसमें जो लेगेंट्स हैं वो कौन से लेगेंट्स हैं अमोनिया लेगेंट्स हैं तो आप अमोनिया लेगेंट्स शो कर दो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा एंड दिस इज हाउ यू नीड टू ड्रॉ इट समझ आई ये चारों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में ये प्लेनर है टू शेप है ठीक है इट इज लाइक दिस, बेटा आप बताओ कि इसमें निकल पे क्या चार्ज होगा निकल पे क्या चार्ज होगा एक मार्क का क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे सेंट्रल मेटल लाइन का चार्ज पूछेंगे तो निकल पे चार्ज प्लस टू है क्यों बेटा क्यों प्लस टू है क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है ठीक है तो निकल पे चार्ज प्लस टू इस वजह से ओवरऑल चार्ज टू प्लस है कंफ्यूजन किसी का कोई क्वेश्चन बेटा अच्छा फिर बेटा नेक्स्ट देखें कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है और थ्री डी शेप है तो ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा टेट्राहेड्रल क्या होगा बेटा कॉम्प्लेक्स इज टेट्रा हेड्रल होगा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है और कॉम्प्लेक्स थ्री डी है टेट्राहेड्रल हेड्रल ड्रॉ कैसे करेंगे देखे सामने ये देखें ये कोबोल्ट है तो कितने बेटा डेटे बॉन्ड्स दो डेटे बॉन्ड्स ऑन द प्लेन होंगे एक वेज होगा यानी आउट ऑफ द प्लेन होगा और एक डॉटेड होगा मींस मीन्स इन टू द्लें हमेशा और ये फोर शेप्स हैं ये आसान है याद करना देखो पहली शेप लीनियर तो इट्स वेरी इजी बस सिर्फ ये फोर कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा ध्यान में रखें टू डी है तो स्क्वायर प्लेनर रखें थ्री डी है तो टेट्राहेड्रल रखें हाँ वो बताएंगे आपको वो बताएंगे वरना उसके बगैर आप कैसे फैसला करेंगे राइट right? या फिर एक पॉइंट है जो आइसोमेरिज्म से आप आपको, आपको अभी आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्सेस में उससे भी आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर प्लानर है ये टेट्राहेड्रल है और बेटा ये ओएच लिगेंड्स हैं ये ओएच OH लिगेंड्स शो कर दें बेटा मुझे बताएं कि सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज है कौन बताएगा बेटा देखे सामने सेंट्रल मेटल आयन पे क्या चार्ज है कैसे पता चला प्लस टू का ओएच पे माइनस वन चार्ज होता है तो माइनस फोर हो गए फोर लेगेंट्स का चार्ज सेंट्रल मेटल आयन एक्स है और ओवरऑल चार्ज माइनस टू है तो इसको सॉल्व करें बेटा एक्स हैपेंस टू बी प्लस टू इसका मतलब है सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज प्लस है आप लिख लें तो फिर मैं लास्ट स्टेप आपको बताऊं लास्ट वन इज सिक्स, बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होना तो फॉर एग्जांपल अगर कॉम्प्लेक्स है मैंगनी थ्री एंड एच टू ओ थ्री बेटा लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप्स के भी हो सकते हैं अब बेटा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स क्यों है देखो सिक्स लिगेंड्स हैं कि नहीं

ओवरऑल चार्ज है बेटा तो सेंट्रल मेटल लाइन पे क्या चार्ज होगा प्लस समझ आई क्यों बेटा प्लस टू ये देखे वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं है और सी पे माइनस वन चार्ज होता है तो माइनस चार्ज है माइनस थ्री सेंट्रल मेटल लाइन एक्स है और ओवरऑल चार्ज माइनस वन है तो दिस इज प्लस टू बनेगा तो सेंट्रल मेटल लाइन पे चार्ज क्या होगा प्लस टू होगा बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायोडेंटेड लेगेंड्स देखो मैंने कल भी बताया था एंड आज फिर इसको जरा ट्राई टू मेमोराइज के बायोडेंटेड लेगेंड्स कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं और आपको मेमोराइज रखना है बेटा ओ एक्स टू नेगेटिव ये किसको शो करता है ओ एक्स टू नेगेटिव ये है, लेकिन ये किस फॉर्मूला को किस स्ट्रक्चर को शो करता है बेटा तो ये बात याद होनी चाहिए आपको एथन डाई एथन डाय ओएट को शो करता है ये नेगेटिव इसलिए है कि माइनस वन इस पे है और माइनस वन इस पे है ये माइनस वन क्यों है इस पे एच डिसोसिएट हो गया ठीक है और इसमें माइनस वन क्यों है यहां से भी एच डिसोसिएट हुआ ये डेटे पॉन्ड कहां से बनाएगा इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उससे एक डेटे पॉन्ड इधर से दूसरा डेटे पॉन्ड बनेगा आप जरा सुने बेटा कि अगर कॉम्प्लेक्स ये हो तो बोल्ट ओ एक्स होल थ्राइस थ्री माइनस बताओ इस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी इस कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सिक्स होगा सिक्स कैसे होगा एक ओ एस ओ एक्स जो है वो बायट है एक ओ एक्स दो डेटे पॉन्ड बनाएगा तो तीन ओ एक्स कितने डेटे पॉन्ड बनाएंगे सिक्स तो जब सिक्स डेटे पॉन्ड हो तो शेप विल बी ऑक्ट्रा हेड्रल अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे तो ऑक्टा हेडल के लिए कोबाल्ट को ले मेडल में और ये यह सिक्सिटेटिव बॉन्ड्स ठीक है देखो बेटा सामने सामने देखो अब इसको मैं कैसे शो करूं? इस बाइड लेगेंड को आई कैन प्लेस इट एनी वेयर बेटा ये दो पोजिशन मैंने ली देख रहे हो एंड कैन आई कनेक्ट दम लाइक दिस तो ये दो पोजिशन दो डेडे पॉइंट हो गए अब अगला ओ एक्संटाईट इट लाइक दिस इसको मैं दूसरी अरेन्जमेंट भी ले सकता था कहीं और भी मैं प्लेस कर सकता था ओके okay? तो so, ये जरूरी नहीं फिक्स कि आप इन पोजिशन पर रखें ओ एक्स को जहां मैंने रखा है इन दो पोजिशन पर भी रख सकते थे एंड द लास्ट वन इज हियर लास्ट वन इज हेयर तो बेटा ये इस कॉम्प्लेक्स की शेप है कंफ्यूजन और इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है माइनस थ्री है तो so, बताओ चार्ज सेंट्रल मेटल लाइन पे क्या होगा तो okay. बोल्ट so, क्या चार्ज होगा प्लस थ्री होगा समझ आई प्लस थ्री ऐसे है कि एक ओ एक्स पे कितना चार्ज है तो तीन ओ एक्स पे कितना चार्ज होगा नेगेटिव सिक्स प्लस एक्स इक्वल्स माइनस थ्री एक्स हैपेंस बी प्लस थ्री। सेंट्रल मेटल आइन पे चार्ज प्लस थ्री आए वॉट इट बेटा ये फूड ट्राई करें ई एन इज बाय लेगेंट इन इज बाय लेगेंट और ई e एन है ये इथेन डाय इज ई एन ठीक है तो आप ड्रॉ करें बेटा इस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ शेप ऑफ एफ ई एन थ्राइस ट्राई पॉजिटिव चले बेटा ड्रॉ करें इस कॉम्प्लेक्स को खुद ड्रॉ करें बेटा ये एनएच टू है एनएच थ्री नहीं है ये एनएच टू है एन के लोन पे ऐसे एक डेटा बॉन्ड बनेगा यहाँ और इस एन के लोन पे से डेटे बॉन्ड बनेगा यहाँ तो एक ई एन दो डेटे बॉन्ड बनाएगा इसलिए ये बाय है इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे आयरन है ठीक है ये दो सॉलिड लाइंस हैं दो वेजेस हैं और दो डॉटेड हैं ठीक है बात नहीं बेटा देखें आप इसको स्केलेटल वे में भी जा सकते थे ये एनएच टू है ये एनएच टू है तो यू नो स्केलेटल फॉर्मूला में ये जो इथेन चेन है वो इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं ये भी आप कर सकते हैं okay? में भी जा सकते हैं और सी एच टू सी एच टू भी लिख सकते हैं तो ये एन एच टू था ये एन एच टू है और यहां लाइक दिस like ये एन एच टू है ये एनएच टू है और दो कार्पन वेल बी लाइक दिस दिस इज कैरेटल फॉर्मूला ब्रैकेट लगाएं ब्रैकेट पे चार्ज क्या है थ्री प्लस है बताओ सेंट्रल मेटल लाइन पे क्या चार्ज है ये कैसे पता चला दिखे। 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 एफी पे क्या चार्ज है थ्री प्लस है क्योंकि ई एन न्यूट्रल न्यूट्रल है और ओवरऑल चार्ज कितना है थ्री प्लस इसका मतलब है आयरन पे चार्ज थ्री प्लस होगा आइडिया अच्छा देखो ये जो दो दोपाइड लेगेंट्स हैं ये बेहतर है कि आपको याद हो इसके अलावा कोई और बाय लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन देखें अगर एग्जामिनर आपको देना लेट से ये गिवन है ठीक है पेपर में क्वेश्चन में लेट से गिवन है z गिवन इज और आपको कंफ्यूज करने के लिए जी एग्जामिनर लेट से उसकी अजीब सी ये जी है ठीक है अब ये लुक अलाइक मैं पास पेपर क्वेश्चन में ये देख रहा है अब बताओ ये है कि नहीं कैसे पता चला है तो, ये याद रखें जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना एक कार्बोक्सिलेट आयन एक डेटे बॉन्ड बना सकता है यू you नो know, कार्बोक्सिलेट आयन कार्बोक्सिलिक से जब एच निकल जाए तो वो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है तो इसमें कितने कार्बोक्सिलेट आयन है दो तो, तो ये दो डेटे बॉन्ड बनाएंगे तो गिवन दैट जी इज बाय लेगेंट ठीक है तो बेटा अब अगर आपको बोले बाय लेगेंट और आपको बोले कि ये कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करें तो आपको दो मैं क्वेश्चन ड्रॉ बेटा ड्रॉ करें जी ट्राइस And that is four minus just half triggering. How would you draw this? You. Draw full structure of Z in complex sign. Draw full structure of Z in complex sign. बेटा खुद ट्राई करें इसको बोर्ड पे चार्ज है प्लस टू और बेटा इधर भी लोन पे आता ठीक है आई होप के आप लोगों ने से बच्चों ने इसको बनाया है यहाँ क्लास में व्हाट यू नीड टू नो बेटा अगर कोई कोई इस तरह बनाए ना तो ये रॉन्ग होगा इसमें क्या मिस्टेक है बेटा दिस इज रॉन्ग क्या मिस्टेक है दोनों एक ही कार्बन से कनेक्टिविटी है कार्बोक्सिलेट ग्रुप की ठीक है चले बस दैट इज बट वी हैव कल मैं ड्रॉ कर दूंगा ओके okay?